हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम बात करने वाले हैं अबाउट अ वेरी वेरी डिबेटेबल टॉपिक, जो कि आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल कंफ्यूज रहते हैं कि उनको वे प्रोटीन कौन सा लेना चाहिए। देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वे प्रोटीन। तो जो दो बहुत ज़्यादा फेमस टाइप्स ऑफ वे प्रोटीन हैं मार्केट में, आज हम उनके बारे में बात करेंगे। वे प्रोटीन आइसोलेट एंड वे प्रोटीन कंसनट्रेट, एंड आपके लिए कौन सा सूटेबल है। कीप वॉचिंग। द मोस्ट फेमस एंड मोस्ट यूज सप्लीमेंट्स वर्ल्ड वाइड है, एंड ऐसा सप्लीमेंट है जिसमें सबसे ज़्यादा रिसर्च हुई है और जो सबसे ज़्यादा यूज़ भी होता है मोस्ट कॉमनली। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वे प्रोटीन एंड उसके क्या क्या फॉर्म्स हैं और वो फॉर्म किसके लिए सूटेबल हैं, किसके लिए नहीं है। लेट्स टॉक अबाउट दैट। तो ज़्यादा डिटेल में जाने से पहले इन दोनों के डिफरेंस की, फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज़ वे प्रोटीन। जिनको नहीं पता है, एक थोड़ा सा मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा कि वे प्रोटीन जो है वो आपका दूध से डिराइव होता है प्रोटीन, एंड ये सबसे ज़्यादा अमीनो एसिड्स कैरी करने वाला प्रोटीन टाइप ऑफ प्रोटीन माना जाता है, बिकॉज इसमें सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं जो आपके मसल बिल्डिंग के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। दैट्स वाई वे प्रोटीन जो है वो हमारा बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस के लिए बहुत ज़्यादा सप्लीमेंट यूज़ होता है रेदर देन अदर फॉर्म्स ऑफ प्रोटीन्स। तो बेसिक डिफरेंस क्या होता है, जो कि मैं नॉर्मली लोगों को बोलता हूँ कि ये बेसिक डिफरेंस है इसमें इन दोनों में, तो जो बेसिक डिफरेंस रहता है वो रहता है कि फिल्ट्रेशन का, प्रोसेसिंग का, जो आपका वे होता है, जो आपका रॉ वे होता है वो प्रोसेस होता है, देन इट कन्वर्ट्स इनटू कंसंट्रेट वे प्रोटीन। देन उसके बाद वो और ज़्यादा उसे प्रोसेस करें तो दैट इज़ मोर फिल्टर्ड एंड मोर ज़्यादा प्रोसेस होके जो निकल के आता है, दैट इज़ वे प्रोटीन आइसोलेट। तो जो पहला डिफरेंस रहता है दोनों में, उनका जो प्रोटीन परसेंटेज होता है वो कैसे वेरी करता है। तो एक्चुअल में क्या होता है, जब हम मिल्क से वे को डिराइव करते हैं तो उसमें सिर्फ आपका प्रोटीन ही नहीं होता, उसमें आपके थोड़ा बहुत कार्ब्स भी होता है, थोड़ा बहुत फैट्स भी होते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि आप पे जब फिल्टर करते हैं तो कंसंट्रेट थोड़ा कम फिल्ट्रेशन होता है उसका, तो कम प्रोसेस्ड होता है वो, तो उसमें थोड़े से कार्ब्स और थोड़े से फैट्स रह जाते हैं। जब उसको और ज़्यादा प्रोसेस करके आप और ज़्यादा रिफाइन करते हैं, आइसोलेट निकालते हैं, तो उसमें से जो एक्स्ट्रा कार्ब्स और फैट्स होते हैं वो भी रिड्यूस हो जाते हैं। तो इसलिए आप नोटिस करेंगे तो वे कंसंट्रेट का जो प्रोटीन परसेंटेज रहता है अराउंड 70-80% तक वेरी करता है बिटवीन डिफरेंट ब्रांड्स। बट अगर हम आइसोलेट का देखेंगे तो आई थिंक मोस्टली ब्रांड्स में आपको 90% प्रोटीन पर स्कूप मिलेगा ऑफ वे प्रोटीन आइसोलेट, एंड दैट हैज़ लेस कार्ब्स एंड लेस फैट कंपेयर टू कंसनट्रेट। सेकेंड पॉइंट जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है लैक्टोस। लैक्टोस एक्चुअल में क्या होता है, लैक्टोस इज़ अ फॉर्म ऑफ कार्ब्स, एक शुगर से कंपोज होता है, एंड कुछ लोगों को लैक्टोस से एलर्जी होती है, वो लैक्टोस इंटॉलरेंट कहते हैं उनको, वो नहीं डाइजेस्ट कर पाते लैक्टोस को। तो जो आइसोलेट होते हैं वो उनके लिए ज़्यादा बेटर चॉइस रहती है, बिकॉज ड्यू टू फिल्ट्रेशन जो लैक्टोस कंटेंट होता है वे का वो आइसोलेट में काफ़ी हद तक कम हो जाता है, जिसकी वजह से आई थिंक 90% ऑफ लैक्टोज इंटॉलरेंट पीपल जो बहुत ज़्यादा हाईली आपका एलर्जिक नहीं है लैक्टोज से, वो आइसोलेट यूज़ कर सकते हैं बट वो कंसनट्रेट यूज़ नहीं कर सकते। थर्ड पॉइंट जिसके बारे में हम बात करेंगे, दैट इज़ अ लिटिल साइंटिफिक, बायो अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोटीन, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो बायो अवेलेबिलिटी क्या होता है, बायो अवेलेबिलिटी एक तरह से प्रोटीन की क्वालिटी का मेजर होता है कि जो आपकी प्रोटीन है वो एक्चुअल में बॉडी कितना एब्जॉर्ब कर रही है, कितना वो यूज़ हो रहा है आपके न्यू टिश्यूज़ को बनाने के लिए। सो दैट इज़ नोन एज बायो अवेलेबिलिटी, इट इज़ अ स्केल ऑफ मेजरिंग द क्वालिटी ऑफ वे प्रोटीन। जो बायो अवेलेबिलिटी अगर हम वे से हट के बात करते हैं तो एक एग की जो बायो अवेलेबिलिटी रहती है एग वाइट की, दैट इज़ अबाउट 100, एंड अगर हम वही कंसनट्रेट वे प्रोटीन की बात करेंगे सो दैट इज़ अबाउट 104।
जो वे प्रोटीन आइसोलेट की बायो अवेलेबिलिटी रहती है दैट इज़ अबाउट 140। बायो अवेलेबिलिटी में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है दोनों के, 104 एंड 140। तो फिफ्थ पॉइंट जिसके बारे में हम बात करेंगे दैट इज़ द एब्जॉर्प्शन रेट ऑफ प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन कितनी देर में बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है उसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। सो वे प्रोटीन आइसोलेट का जो एब्जॉर्प्शन टाइम रहता है बॉडी में वो रहता है अबाउट 1 आवर। 1 आवर में वो आपके ब्लड स्ट्रीम्स में पहुँच जाता है। एंड वहीं पर प्रोटीन कंसनट्रेट का जो आपका एब्जॉर्प्शन टाइम रहता है दैट इज़ अबाउट 2 to 3 आवर्स। तो यहाँ पे डिफरेंस ऑलमोस्ट डबल का आ जाता है। वो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, वो थोड़ा सा सरप्राइजिंग है क्योंकि आपने एक टर्म बहुत सुना होगा, मसल प्रोटीन सिंथेसिस। मसल प्रोटीन सिंथेसिस होता क्या है? एक प्रोसेस होता है जिससे आपकी बॉडी जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको कैरी करके लेके जाती है उन सेल्स के पास जिनको रिपेयर करने की ज़रूरत होती है बॉडी को। तो जो ये प्रोसेस होता है न्यूट्रिएंट्स को कैरी करके लेके जाने का, इसे कहते हैं मसल प्रोटीन सिंथेसिस। तो सरप्राइजिंग यहाँ पे ये फैक्ट है कि मसल प्रोटीन सिंथेसिस जो है आपका वे प्रोटीन कंसनट्रेट का वे प्रोटीन आइसोलेट से ज़्यादा है। इस पॉइंट जो हमारा है दैट इज़ अबाउट द इंटरनल हेल्थ, कि हमारी बॉडी के लिए अंदर से हेल्दी कौन सा है। तो बेसिकली इसमें दो पॉइंट्स यूज़ होंगे, आपका इम्यूनोग्लोबुलिंस एंड सेकेंड है आपका बायो एक्टिव पेप्टाइड्स। तो इम्यूनोग्लोबुलिंस क्या होता है एक्चुअल में? दे आर एंटीबॉडीज़ जो होती है हमारी बॉडी में, उसको कहते हैं इम्यूनोग्लोबुलिंस। एंड अदर थिंग दैट इज़ बायो एक्टिव पेप्टाइड्स। ये बेसिकली क्या होता है? ये प्रोटीन के स्मॉल फ्रेगमेंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा, बहुत सारे क्रॉनिक डिसीज जो होते हैं रिलेटेड टू हार्ट, लीवर, बोन, जॉइंट्स, उनको हेल्दी रखने में बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होते हैं। तो जो आपका ये दोनों चीज़ें होती हैं ये आपका वे प्रोटीन कंसनट्रेट में ज़्यादा मेजरली फाउंड होती हैं कंपेयर टू वे प्रोटीन आइसोलेट। दैट मीन्स वे प्रोटीन कंसनट्रेट जो है वो अगर आप हेल्थ टर्म्स में देखें तो आपकी बॉडी के लिए ज़्यादा हेल्दी है कंपेयर टू वे प्रोटीन आइसोलेट। लास्ट पॉइंट हमारा आ जाता है जो कि आई थिंक हम सबका कंसर्न रहता है, हर एक का कंसर्न है। तो क्या प्राइसिंग रहेगा वे प्रोटीन कंसनट्रेट का, वे प्रोटीन आइसोलेट का? तो जो हमारा वे प्रोटीन आइसोलेट होता है वो ज़्यादा प्रोसेसिंग होती है उसकी, वो ज़्यादा फिल्ट्रेशन होती है उसकी, उसकी जो एक्सट्रैक्ट करने की प्रोसेसेस हैं वो ज़्यादा हैं। इसलिए वे प्रोटीन आइसोलेट की जो कॉस्टिंग होती है वो भी कंसनट्रेट से मोस्टली ज़्यादा ही होती है। तो हमने डिफरेंस के बारे में बात कर ली, अब बात करते हैं कि आप को आइसोलेट लेना चाहिए है या आपको कंसनट्रेट लेना चाहिए। तो आइसोलेट लेने के पॉइंट्स मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि आपके क्या क्या हो सकते हैं कि आपको वे प्रोटीन आइसोलेट लेना चाहिए। सबसे पहली बात, उसमें लो फैट और लो कार्ब्स होते हैं जो पहला डिफरेंस है हमारा। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप एक कैलोरिक डिफिशियट डाइट में हैं जहाँ पे आपने आपके कार्ब्स को और फैट को लिमिटेड करा हुआ है तो डेफिनेटली आप वो प्रोटीन के साथ पर स्कूप नहीं लेना चाहेंगे, तो उसमें आप आइसोलेट में जा सकते हैं। सेकंड चीज़ जो मेन आ जाती है वो आ जाती है इसकी प्राइसिंग। अगर आप स्पेंड कर सकते हैं ज़्यादा तो आप वे प्रोटीन आइसोलेट पे जा सकते हैं, आपका बजट क्या है उसके अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा। थर्ड चीज़ हमारी आती है बायो अवेलेबिलिटी और एब्जॉर्प्शन रेट। जो बायो अवेलेबिलिटी है, जो एब्जॉर्ब होने की पावर है, वो वे प्रोटीन आइसोलेट की ज़्यादा है बॉडी में एज़ कम्पेयर टू वे प्रोटीन कंसनट्रेट। प्लस उसका जो प्रोटीन परसेंटेज पर स्कूप रहता है वो भी ज़्यादा रहता है। तो अगर आपका बेसिक जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि बस मेरी बॉडी को मैं प्रोटीन प्रोवाइड करूं, तो आप डेफिनेटली आप आइसोलेट पे जाइए। लास्ट चीज़, अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं तो आपके पास वे प्रोटीन कंसनट्रेट यूज़ करने का ऑप्शन ही नहीं है, आपको आइसोलेट ही यूज़ करना पड़ेगा। सेकेंडली, वे प्रोटीन कंसनट्रेट के फेवर में कौन से पॉइंट्स हैं? सबसे पहला पॉइंट, आपको एक बजट में अबाउट 70 to 80% ऑफ वे प्रोटीन मिल जाता है जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा स्पेंड नहीं करना पड़ता, तो उस हिसाब से वे प्रोटीन कंसनट्रेट ठीक है अगर आपका बजट कम है। अगर आप प्रोटीन को मसल बिल्डिंग के साथ साथ जो प्रोटीन के हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं उसको भी साथ में रख के देखेंगे तो वे प्रोटीन कंसनट्रेट आपके लिए एक बेटर ऑप्शन है। पॉइंट है मसल प्रोटीन सिंथेसिस जो होता है वो वे प्रोटीन कंसनट्रेट का साइंटिफिकली जो स्टडी हुई है उसमें ज़्यादा हुआ है।
तो अगर आप प्रोटीन सिंथेसिस के पॉइंट को लेके जाएंगे तो वे प्रोटीन कंसंट्रेट आपके लिए ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। तो ये था हमारा डिफरेंस वीडियो ऑन वे प्रोटीन आइसोलेट एंड वे प्रोटीन कंसंट्रेट। तो आई होप इसके बाद काफ़ी पिक्चर क्लियर हो गई होगी कि कंसंट्रेट क्या होता है, आइसोलेट क्या होता है, क्या डिफरेंस होते हैं दोनों में। तो आपको आगे ये कन्फ्यूजन नहीं होगा कि आपको क्या बाय करना चाहिए, क्या स्किप करना चाहिए। सो दैट्स इट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो इन द नेक्स्ट टॉपिक। एंड अगर आपके पास कोई टॉपिक है तो प्लीज़ सजेस्ट करिए मेरे को जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर।